वायरल बुखार और बिना रजिस्ट्रेशन वाली पैथोलॉजी का क्या है कनेक्शन? किसने दे दी इन्हें रिपोर्ट बनाने की परमिशन? बिना डिग्री के कैसे पता कौन सी है बीमारी? फिरोजाबाद में एक महीने से डेंगू वायरल बुखार का कहर अभी भी बरकरार है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 63 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर अनऑफिशियल बात करें तो मौत का आंकड़ा 100 से भी अधिक है और इनमें मरने वाले सबसे ज्यादा हैं तो सिर्फ बच्चे। लेकिन जिस रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर इलाज करता है, क्या वह रिपोर्ट वहां कराई गई है जहां उस पैथोलॉजी का रजिस्ट्रेशन है, जहां MBBS MD डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट मौजूद रहते हैं? नहीं, फिरोजाबाद जिले में तमाम ऐसी पैथोलॉजी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। वह सिर्फ झोलाछाप डॉक्टरों के कहने पर मरीजों की रिपोर्ट कर रहे हैं और उसमें वायरल बुखार, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी सामने आ रही हैं। ऐसी तमाम पैथोलॉजी हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के गांव-गांव में इस आपदा में अवसर ढूंढकर रुपया कमाने में व्यस्त हैं और उल्टी सीधी रिपोर्ट बनाकर दे रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जब मैंने जांच कराई तो वहाँ पर स्लेटें निकली 69। उसके बाद जब मेरे को परेशान हुआ तो मैं तुरंत ही आगरा हॉस्पिटल के लिए गया। कौन सा हॉस्पिटल? आर्मी हॉस्पिटल। तो तुरंत वहाँ पर जांच करवाई तो वहाँ पर रिपोर्टें निकली, प्लेटें निकली 1,10,000। ये लापरवाही है पैथोलॉजी वालों की, कोई भी उनके गलत कर रहे हैं ये लोगों के साथ। हमने कई पैथोलॉजी पर जाकर देखा तो वहाँ सिर्फ एक लैब टेक्नीशियन मौजूद मिला, ना कोई MBBS MD डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट। वहाँ ऐसे युवक भी काम करते देखे गए जिनके पास ना तो कोई डिग्री थी और ना ही कोई एक्सपीरियंस जो वह रिपोर्ट की जांच कर सकें। आपका रजिस्ट्रेशन है सीएम ऑफिस में? नहीं है। आपको पता है रिपोर्ट में डॉक्टर इलाज करता है पूरा? अरे सर, तो मैं रिपोर्ट करना थोड़ी ना करता हूँ। लेकिन अभी तक क्यों नहीं इन बिना रजिस्ट्रेशन वाली पैथोलॉजी पर कोई कार्यवाही हुई? जिलाधिकारी ने कुछ दिन पहले रजिस्ट्रेशन वाली पैथोलॉजी वालों के साथ मीटिंग की थी और उन्हें यह भी बताया था कि जो आपके रेट लिस्ट हैं उसे आप अपनी पैथोलॉजी पर चस्पा कीजिए। हम पूछना चाहते हैं जिलाधिकारी से कि उन्होंने सिर्फ उन पैथोलॉजी पर ही क्यों ध्यान दिया जिनका रजिस्ट्रेशन है। हम लोगों ने आज पैथोलॉजी वालों के साथ में भी मीटिंग करी है, उनको भी बताया गया कि किसी तरह का ओवरचार्जिंग वो लोग ना करें। जो एलिजा टेस्ट है या डेंगू की टेस्ट किट है उनके रेट्स अलग अलग हैं, 180 रुपीज़ एंड 500, वो उनको बताया गया है, उनके उसको वो लोग अपनी दुकान पर चस्पा भी करें। जब हमने इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिनेश कुमार प्रेमी से बात की तो उन्होंने बताया कि जब पैथोलॉजी खोली जाती है उसने क्या किया डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। उनका यह भी कहना है कि जो बिना रजिस्ट्रेशन के पैथोलॉजी चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। पैथोलॉजी होगी, उसके पास एक डिग्री है, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और गवर्नमेंट का जो है, एक MBBS कम से कम होगा, उसके बाद MD माइक्रोबायोलॉजी हो सकता है, MD पैथोलॉजी हो सकता है और DCP हो सकता है या DNB हो सकता है। ये डिग्री है जिसको पैथोलॉजी चला देंगे, क्योंकि हम लगातार इस पे नज़र रखे हैं और हम इस पे जैसे भी होगा हम इस पे जाँच कराएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।